आज हम आपको एक और विभाग है यहाँ पर जो राजधानी लखनऊ के गोगार्डन में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग की, जिसके जो वैक्सीनेटर सहायक हैं यहाँ पर मौजूद हैं। कोरोना काल में भी इन लोगों ने अच्छे तरीके से काम किया, अपनी जान की बाजी लगाकर घर घर जाकर वैक्सीन लगाई है। अपनी मानदेय को लेकर आज यहाँ पर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहें? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हम लोग इतना मेहनत से काम किए हैं पशुपालन विभाग में और सरकार की देख रेख में हम लोग काम किए हैं, उनके कान सारे काम किए हैं, इसलिए हम लोग को जो सही मुफ्त राशि है महीने के 10 महीना बना करके हम लोग को मिले, ताकि हम वैक्सीनेटर और सहायक का जीवन यापन और भरण पोषण हो सके। क्या क्या समस्याएँ आती हैं आप लोगों की? मुआवजा तो बहुत दूर की बात है, 2 साल हो गया, अभी 1 भी रुपये नहीं मिला हमें। अब हमारे साथियों को ये सरकार हमें कुछ भी नहीं दे पा रही है, कोई सुविधा नहीं उपलब्ध करवा, हमें पशुओं से लड़ना पड़ता है, टीकाकरण करते समय टैगिंग करते समय हमें जंतुओं से लड़ना पड़ता है, हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं, उसी में काफ़ी लोग घायल भी हुए, काफ़ी लोग मर भी चुके हैं कोरोना काल में इस वैक्सीनेशन के दौरान में। हम लोग अपनी पूरी फीडिंग भी कर चुके हैं जनपद श्रावस्ती के, हम जनपद श्रावस्ती से हम आएँ, हम अपने जनपद श्रावस्ती ग्राम पंचायत के पूरी भी फीडिंग कर चुके हैं और दूसरे गांव की भी फीडिंग में कर रहा हूँ इस समय बैठ करके, लेकिन गवर्नमेंट का कोई भी ध्यान हमारे राज्यों की तरफ नहीं जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं और ना ये भी रुपये दिया जा रहा है। हमारी इतनी मांग है कि गवर्नमेंट हमें 18,000 रुपये कम से कम पर मंथ दे, ये 1 साल में 6,000 रुपये या 3,000 रुपये देने से हम लोगों का काम नहीं चलेगा। इनकी सैलरी कम से कम 50,000 रुपये है, हम लोग तो जमीन पे उतर करके पशुओं या जंतुओं के बीच में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। इस पे गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, इतना सख्तीकरण नहीं करना चाहिए कि लोग मरने पे उतावले हो जाएं या उतर जाएं, काफ़ी हमारे साथी मर चुके हैं, इस पे ध्यान नहीं गया गवर्नमेंट का। तो भाई